जनपद के सभी एडीएम व एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ छापेमारी कर हाजिरी का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि मेरे द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि सभी एडीएम व एसडीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चेक करेंगे कि वहाँ पर डॉक्टर समय से उपस्थित हैं या नहीं, जिससे पता चल सके कौन सा डॉक्टर समय से सामुदायिक केंद्र पहुँच रहा है और कौन सा डॉक्टर समय पर ड्यूटी पर पहुंच नहीं रहा है। वहीं इस संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का एडीएम व एसडीएम के द्वारा निरीक्षण किया गया है और वहां पर डॉक्टरों की उपस्थिति को चेक किया गया है। जब वहां पर हम लोग पहुंचे तो पाया गया कि वहां पर 50% स्टाफ ही ड्यूटी पर पहुंचा था, जिसमें से जिले के कुल 252 स्टाफ और 52 डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, जिसका रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया और जिस पर जिलाधिकारी ने कार्यवाही करते हुए सभी अनुपस्थित पाए गए डॉक्टरों का एक दिन का वेतन रोकने व विभागाध्यक्ष से स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सभी एडीएम साहबान और सभी एसडीएम साहबान के द्वारा पूरे जनपद में जो हमारे सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, अर्थात जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी अटेंडेंस चेक कराई गई। 8:15 का समय दिया गया था, हम लोगों ने मौके पर जाकर के देखा तो 8:30-9 तक भी 50% स्टाफ ही आया था। हम अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को आज ही सबमिट कर देंगे और जो भी डॉक्टर साहबान या उनके कर्मचारी समय से उपस्थित नहीं हुए हैं उनको नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो जनरली ये एक हम लोगों ने रूटीन बनाया हुआ है कि हर वीक हम लोग रैंडम ऑफिसर्स चेक करेंगे, हेल्थ सेंटर्स चेक करेंगे, ताकि इंश्योर करें कि जो भी संबंधित ऑफिसर्स हैं, स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, समय पर कार्यालय में उपस्थित हों, ताकि लोगों का मैक्सिमम अच्छे क्वालिटी वाइज निस्तारण कराया जा सके। तो एक बार वो रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद फिर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।